ये सेंटीमेंट क्यों है, जब आपने पूरे भारत वर्ष में जहाँ यह निकल नहीं है रहे हैं, सबको चार गुना दे रहे हैं, तो उन्हीं उन किसानों को क्या दोष है जो उन किसानों को आप चार गुना भी नहीं दे पा रहे हैं। और सिंगल जो मुआवजा है सेंट्रल रेट वो भी 2011 का ही दे रहे हैं, आज का नहीं दे रहे सेंट्रल रेट भी। तो देखिए कितनी जमीनें या जो लाइन कर रहे हैं जबरदस्ती का हमारी सरकार से हमारा वैसा, आज वहाँ पर भी सवा 3 महीने हो गए धरना चलते हुए। हम रोहा में एक गांव कोदे पड़ता है, वहाँ पर धरना चल रहा हम लोगों का और भारी संख्या में लोग वहाँ पर हैं। वहाँ पे सरकार ये इतनी पत्ते और पट्टी है कि इन्हें ये बता दिया है इनको बहुत मेहनत यहाँ पर उठे और तक है और लोगों के वहाँ पर तो 10-12 लाख रुपए आप दे रहे हो और एक मैन छोड़ कर ही कुछ किसानों को दे रहे हैं, वहाँ पर 50,000 है, 40,000 है, 1 लाख है, इससे ज़्यादा मुआवजा नहीं है। कौन सा में एक सबसे बड़ी मैं तो समझता हूँ सभी सारे जिलों में और सभी सारे जिले में ये जो आवारा पशु है जिनका आतंक है, आवारा पशु बिहार बहुत खतरनाक बिहार है, लोगों को मार रहे हैं। हमने कई बार धरना प्रदर्शन किया है, आपके जिले में भी बहुत सारा आंदोलन किए हैं, लेकिन उसमें वो आवारा पशु और जो हमारी गाय है उन्हें सरकार उनका इंतजाम नहीं कर रही है, सरकार वहाँ पर उन्हें गौशाला नहीं बना रही है। ये मैं एक बार वहाँ पर आपके जाए किसानों की थोड़ी बात सुने और बाकी मंडल होने को तो हम तैयार नहीं, तो वहाँ पर हम भी ये महंगे मुद्दे लेंगे। एक आपका जो ये मुद्दे हैं जो आपके आवारा पशु है पूरे भारत वर्ष में ये इन्होंने ला दिया कि सारी फसलें उजाड़ दी है। गेहूँ साहब कहते हैं भूस दिलाओ, नहीं कहते हैं गेहूँ की खरीद नहीं हो रही गेहूँ दिलाओ। अरे भाई जब आपके ये सारे कचरे हम गाय गेहूँ खा गए तो गेहूँ और कुछ कहाँ से मिले गौशालाओं को। तो ये सरकार एक तरफ किसान को इतना दबा रही है, फ्री में